इतना बड़ा उत्सव ना विश्व में कभी हुआ था और ना कभी होगा, वो है 22 जनवरी को। तो उस 22 जनवरी का दिन पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, हर लोग अपने घर में प्रभु राम की आस्था का एक दीपक जलाने वाले हैं। उस दिन ये गाना आएगा, ये फ्यूजन है क्योंकि यंगस्टर्स को मोदी जी ने बहुत अट्रैक्ट किया है। हमारी यंगस्टर्स को अपनी पीढ़ी या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पुरुषों में उत्तम क्यों कहते थे, तो वो सारी चीजों को जनवाने के लिए गाना है। उसमें मैंने रैप गाया है यूपी में, सपा के बाद ये गाना आएगा मेरा, तो बड़ा लोगों में बड़ा इसका लोग काफी उत्साहित है। आप जैसे समस्त मुंबई के जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और फोटोग्राफर्स आए, मैं काम करता हूँ, आप लोग मुझे इतना प्यार दिए, मैं एक घंटे के लिए ही मुंबई आया हूँ चूँकि अयोध्या में हमारी ड्यूटी वहाँ लगी है। हर मंदिर को हम लोगों को साफ करना है, धोना है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत से कहा कि अपने यहाँ के मंदिर को साफ करें, आप उसको सफाई करें, दीपक जलाएं, क्योंकि पवित्र होता है। राक्षस भागते हैं, रावण भागेगा, रावण की मृत्यु होगी। अपने जीवन के राक्षसों को भगाना है तो राम के नाम का दीपक आप जरूर जलाएं। जय श्री राम। ये गाना मैं प्रधानमंत्री जी को भी जरूर भेजूंगा, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था सारे संगीत से जुड़े, सिनेमा से जुड़े लोगों को कि आप लोग कृपया अगर राम भक्ति पर कोई गाना बनाते हैं तो ये गाना है। तो ये मैं कल सुबह में प्रधानमंत्री जी को भी पीएमओ ऑफिस में भी भेजूंगा, जब उनका आशीर्वाद मिलेगा। मुझे जहाँ तक खबर आई, कुछ मेरे दोस्त विरोधी पक्ष में भी है और राजनीतिक गलियारा बहुत छोटा है, वहाँ कोई छींक भी मारता है तो पता चल जाता है। तो हमको जो खबर आ रही है कि वो लोग रात में जो लोग नहीं जा रहे हैं या न्योता जो अस्वीकार कर दिए, वो उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और वो मिल मिला के अपने बिस्तर से गिर रहे हैं। कुछ लोग अपना सर दीवार में भी मार रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि प्रभु राम ने उनको 30-40 साल के लिए वनवास भेज दिया है। अब उनकी राजनीति का वनवास सारे विपक्षियों का 30-40 साल तक है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, जैसे प्रभु राम 14 साल के लिए गए थे, प्रभु राम ने इन सारे लोगों को, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास को इतना विराट किया है, राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। अब कर्म से, ईमानदारी से, भ्रष्टाचार मुक्ति राजनीति होती है, सच्चाई जो काम दिख रहा है इस देश का, मेरा देश क्या था, मेरा देश आज क्या बन रहा है, आज सम्मान मिल रहा है। तो आज ये सारे विपक्षी बहुत छाती पीट पीट के रो रहे हैं और मैं तो चाहूंगा कि प्रभु राम सदबुद्धि दे। अभी भी कोई चिंता नहीं है, 22 तारीख को आ सकते हैं, मंदिर सबके लिए खुला है, लेकिन 22 तारीख को कुछ 8,000 लोग आएंगे क्योंकि बहुत लोड हो जाएगा। 22 के बाद आए, लेकिन जब भी आओगे जीवित मोक्ष पाओगे और जो ये दृश्य देखेगा 22 को, वो सबको जीवित मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे नहीं, प्रभु पहली बात तो बता दूं आप सब लोगों को, इस मंदिर में 1 रुपया भी भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का, राज्य सरकार का, योगी सरकार का नहीं लगा है। पूरा पैसा, एक एक पाई इस मंदिर में, जो भव्य मंदिर है, विराट है, वो पूरे भारत के राम भक्तों ने, आस्था में विश्वास करने वालों ने, विश्व के राम भक्तों ने, सनातनी विचारधारा के लोगों ने दिया है। ये चंदे से बना है, ये पार्टी का 1 रुपया नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दे विपक्षी, ये गलतफहमी फैलाना बंद करें। ये मंदिर राम भक्तों ने बनाया है, उनके चंदे से बना है, मेरा भी चंदा गया है, सबका चंदा गया है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये सारी धारणाओं को ध्वस्त करें। 22 को विश्व का सबसे बड़ा उत्सव, हाथ जोड़कर निवेदन है, उस दिन आस्था का दीपक अपने राम के नाम पे सब लोग घर जलाना, पूजा करना, रामायण सुनना, राम पाठ सुनना, आसपास के मंदिर में जाना, भजन कीर्तन करना। ये दृश्य कभी, और उस दिन धरती ज्वलित होगी, ऊर्जावान होगी, पेड़ पौधे चमकेंगे। आप देखिए ना 22 को क्या होने वाला। थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत खुशी है कि आज हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और राम जी के आगमन पे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को, और आप सब देख ही रहे हैं कि खुशी मना रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और पूरे भारत के हर इंसान को थैंक यू।
जो मेहनत कर रहे हैं और आपकी म्यूजिक कंपनी को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच रवि जी, आपने आवाज दी और इतनी एनर्जी के साथ में जो एक्ट आपने किया है ना, बहुत सारी।